दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों, वट वी हैव गिवन इन दिस क्वेश्चन। 10 ईयर्स एगो चंद्रावती मदर वाज 4 टाइम्स ओल्डर देन हर डॉटर। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं यही पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर वाला जो कंसेप्ट है मेरा वो क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे है चंद्रावती और उसकी मदर, ठीक है जी, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 10 ईयर्स है वो, 10 साल पहले, 10 साल पहले की बात जो है ये हो रही है, 10 साल पहले, ठीक है। चंद्रावती इज 4 टाइम्स ओल्डर देन हर डॉटर, यानी अगर ये एक्स है तो बच्चों ये 4x होगी। अब प्रेजेंट में ये x प्लस 10 की बन चुकी होगी और ये 4x प्लस 10 की बन चुकी होगी, क्योंकि ये 10 ईयर्स एगो की बात थी। अब आफ्टर 10 ईयर विल बी, विल मतलब बच्चों आफ्टर और विल जहाँ पे आपको दिखता है ये ऑलवेज फ्यूचर में होता है, तो मैं पहले फ्यूचर में चला जाता हूँ 10 ईयर। तो ये x प्लस 20 बनेगा और ये x 4x प्लस 20 बनेगा। दे विल बिकम ट्वाइस ओल्डर, यानी वो ट्वाइस बन जाती है। दैट मीन्स कि x डिवाइड बाई 20, 4x प्लस 20, ये इक्वल टू क्या होगा बच्चों, मदर जो है 2 टाइम रह जाएगी, जो कि 2 बन जाएगी, राइट। आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये इधर, तो ये 2x बना, ये आपका 40 बना, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका 4x प्लस 20 बना, ठीक है। आप इन दोनों को माइनस कर लीजिए, 2x बना, इन दोनों को माइनस कर लीजिए, आपका 20 बना, और x की वैल्यू जो है 10 रह जाएगी, राइट। अब देखते हैं पूछा क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ चंद्रावती पूछा है। तो बच्चों ये 10 प्लस 10 20 बनेगा, उसकी मदर जो है 40 प्लस 10 जो है 50 की होगी। तो ठीक है बच्चों, वो क्या होगी, 20 ईयर्स ओल्ड होगी, ठीक है। ये तो था नॉर्मल वे जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, हम चाहें तो इसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट कैसे वर्क करेगा वो देखते हैं। देखिएगा बच्चों, वी हैव गिवन चंद्रावती एंड उसकी मदर, मैं दोनों की रेशियो यहाँ पे ले लेता हूँ। ये रेशो जो मेरी रहेगी, चंद्रावती की मदर 4 है तो ये 1 है। अब ये थी पास्ट की बच्चों, अब नेक्स्ट रेशो गिवन है ट्वाइस ओल्ड, ट्वाइस मतलब ये 2 है तो ये 1 है, और ये है बच्चों फ्यूचर की। अब देखिएगा, पास्ट से पहले वो प्रेजेंट पे आएगा जो कि 10 साल का गैप था, और वो प्रेजेंट से वो फिर फ्यूचर पे जाएगा जो कि 10 साल का गैप था। इन शॉर्ट यहाँ से जो टोटल गैप बनता है वो 20 ईयर्स का बनेगा, राइट, क्योंकि पहले वो पास से फ्यूचर में जाने के लिए उसको 20 ईयर्स एगो जाना पड़ेगा, लाइक आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो। अब देखिए, सबसे पहले हमने ये गैप जो है इक्वल करना होता है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है। इक्वल करने का मेथड मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया है, मैं दोबारा भी बता देता हूँ। आपने क्या करना है, ये वाला गैप निकालना है, ये 1 बना, ये वाला गैप निकालना है, ये आपका 3 बना। अब इस 1 को इस वाली रेशो से मल्टीप्लाई, इस 3 को इस वाली रेशो से मल्टीप्लाई। तो ठीक है, अगर 1 को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 1:4 ही रहा, अगर 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट विल बिकम 3:6। अब देखिए, गैप ये 2 बना, ये गैप जो है 2 बना, और ये 2 का गैप मेरे पास 20 के इक्वल है। 20, 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 10 होगा, तो मदर जो है 40 होगी, ये वाली जो है 10 होगी, और ये बच्चों पास्ट है, और ये क्या है, फ्यूचर है। फ्यूचर की एज बच्चों ये रहेगी 30, ये रहेगी 60। अब अगर पास्ट में 10 ईयर्स ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें 10 ईयर्स ऐड कर दूं, देखो प्रेजेंट में अगर 10 ईयर्स ऐड कर देता हूं तो मेरा क्या होगा, पास्ट में तो प्रेजेंट आ जाता है, राइट। दैट मीन्स कि 10 प्लस मेरा 10 अगर मैं ऐड करूं तो वो 20 रहेगा। ये क्या रहेगी, एज ऑफ आपकी क्या आ जाएगी, 20, जो कि क्या है, वही अपना आंसर था चंद्रावती की एज, ऑप्शन नंबर 3।